अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिलाल अरशद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, कि 15 डिग्री का एंगल हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे काम ये करना है कि स्केल की मदद से मुझे यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल की मदद से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। एक सूटेबल लेंथ के मुताबिक मैंने यहां पे एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया है और इसके एंड पॉइंट्स को मैं इसको एक को ए का नाम दे देता हूं और दूसरे को मैं बी का नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक कंपास है, आप लोग ये देख रहे हैं, ये मेरे पास पॉइंट एक ए मौजूद है और इस ए पॉइंट को हम सेंटर कंसीडर करते हुए यहां पर एक एंगल को ड्रॉ करेंगे जो कि 30 डिग्री एंगल होगा। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि इस तरीके से एक सूटेबल आर्क ड्रॉ करनी है सूटेबल रेडियस की, तो जो कि आपको यहां पे देखने को मिल रही है। अब ये वाला पॉइंट जो मुझे मिल रहा है इस लाइन के ऊपर रेड कलर में, तो हम मुझे इस पॉइंट के ऊपर रखनी है पेयर ऑफ कंपास की टिप। सो इस कंपास की टिप को मैंने यहां पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की जो मुझे यहां पे 60 डिग्री का एंगल देगी और इसी पॉइंट के ऊपर रखते हुए मैंने एक और आर्क ड्रॉ कर ली जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। नाउ टेकिंग दिस पॉइंट, अब ये वाला जो पॉइंट आपको मिल रहा है इसको मैं सेंटर कंसीडर करूंगा और इसको सेंटर कंसीडर करते हुए मैं एक और आर्क ड्रॉ कर रहा हूं जो कि मुझे इस तरीके से देखने को मिलती है और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क्स। अब उसके बाद हमें काम ये करना है कि पॉइंट ए को, ये पॉइंट ए जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ज्वाइन कर देना है। तो मुझे यहां पर एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी जो कि डॉटेड पोर्शन में मैं यहां पे शो कर रहा हूं। डॉटेड पोर्शन में बताने का मकसद सिर्फ यही है कि मुझे इस कर्व के ऊपर, ये वाली कर्व के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए और उस पॉइंट को देखते हुए मैं फिर इसका 30 डिग्री से, ये मेरे पास एंगल बन चुका है, ये जो ग्रीन लाइन है ना ये ब्लू वाली लाइन के साथ बना रही है 30 डिग्री का एंगल। ये वाला पहले था 60 का, 60 को हमने बायसेक किया तो ये मौजूद बन, ये जो आपका एंगल बन गया ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब मुझे 30 डिग्री को भी बायसेक करते हुए 15 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं यहां पे यूज करूंगा कंपास और ये दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये मौजूद है आपके पास और दूसरा पॉइंट ये ग्रीन और रेड का जो कॉमन पॉइंट है ये वाला, तो ये एक पॉइंट मौजूद है और दूसरा पॉइंट, मैं इन दोनों के ऊपर रख के एक आर्क लगाऊंगा। तो मैं सबसे पहले काम ये करूंगा, एक सूटेबल लेंथ के मुताबिक इस कंपास को ओपन करूंगा और यहां पर रखते हुए मुझे ये आर्क लगानी पड़ी, फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के मैं ये वाली आर्क लगाऊंगा, तो दोनों आर्क्स जो हैं वो एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स। तो मुझे अब काम ये करना है कि इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट ए को मिला देना है। तो ये क्लियरली देखिएगा कि जो हमारे पास पॉइंट ए है और यहां पर ये जो पॉइंट कॉमन आपके पास आ रहा है इन दोनों आर्क्स का, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। और जैसे ही मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से देखने को मिलती है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इस जगह पे 15 डिग्री का एंगल बना रही है ब्लू लाइन के साथ। ये वाली जो लाइन है इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट सी के रेफरेंस से, ये जो लाइन ए सी बन रही है, इस लाइन को देखिएगा, दिस रे मेक्स द एंगल 15 डिग्री विद ए बी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल बी ए सी, मेजरमेंट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये था हमारा आज का काम कि जिसमें हमने काम ये किया कि 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाया। सबसे पहले 60 की बायसेक्शन से 30, फिर 30 की बायसेक्शन से हमें 15 डिग्री का एंगल बनाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दुआओं में शुमार रखिएगा। आपका मेजबान मोहम्मद बिलाल अरशद, अस्सलाम वालेकुम।